अपने हजे झोना लाना तो इतने ये वढ़ चुके आ इस तरह का झोना है बीज जोड़ा है तकरीबन पक्या पाया। आप आए हुए हैं जी वैस्ट बंगाल कलकत्ते दे विच इतों दियाँ काफ़ी वीडियो बना के तुहाडे नाल सांझियां करांगे। वीडियो भी इहो जिहियां होणगियां जानी कि आपां पिंडां दे विच जा के ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हो सकदा तुसीं कलकत्ते दियां वीडियो तो देखियां होणगियां लेकिन इत्थे जिहड़े वसदे पिंड आ उहनां दियां वीडियो पहली बारी तुसीं अपने चैनल ते वेखोगे। साडे नाल जुड़े रहो जी क्योंकि आपां तुहानूं बिल्कुल ग्राउंड लैवल की रिपोर्ट देवांगे जी। यह साडा पहला ब्लॉग सी इस तो अगे असी होर ब्लॉग इस तरह के शूट करके तुहानूं देवांगे जी। तो चलो आ जाओ अज का ब्लॉग आपां शुरू करते हैं। लो जी कमरे चो ही चेकआउट कर लगे हाँ तो ये जिमें कि अक्सर या चाबी होंगी है जो आप चाबी कढ़ दिए तो लाइट बंद हो जानी है। आ लो जी मान लो भी सारी सप्लाई तो चाबी अपन दे देनी उ गड्डी अपनी रेडी है हुण आपां चले अपने काम ते इत्थों तकरीबन 60 किलोमीटर दूर आपां जाणा। लो जी आपां गड्डी बह गए तो इत्थों आपां 60 किलोमीटर दूर जिथे अपना काम नर्सरी की वीडियो करनी उत्थे चले हां। रस्ते दे विच देखदे हां कलकत्ते दीआं कुछ खास चीज़ां जो तुहानूं दिखाउण दी कोशिश करांगे आपां इस ब्लॉग दे विच। कलकत्ते दीआं बसां जिहड़े उत्थों दे ट्रैफिक रूल आ बहुत सख्त आ ते बकायदा जिवें कि जे किसी की गड्डी भी है तो उन्होंने जो चलाउणी है तो उन्होंने अथॉरिटी लैटर देना पैंदा भी ये गड्डी तुसीं चला सकते हो तो जगह जगह पर पुलिस आ ते बाकी पुलिस कहिंदे भी पैसे भी काफ़ी लै जांदी आ 1,500 रुपया लै जांदी आ। जिहड़ी इत्थे मार्केट आ तकरीबन 9 बज चुके आ ते हजे तक मार्केट मतलब कि नहीं खुली जिवें नॉर्मल अपने 10-11 बजे मार्केट बाजार खुलदा उस तरह इत्थे आ हजे तकरीबन सारी मार्केट बंद आ ते हो सकदा दिन दे समय इत्थे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता होवे क्योंकि ये जिहड़ा एरिया इत्थे काफ़ी देखो जी पीलियां टैक्सियां क्योंकि पता ट्रैफिक रूल देख लो इन्ने सख्त आ जो फोन सुनना ना तो गड्डी साइड पर ला के फोन सुनना पैंदा नहीं तो पता भी 1,500 चलान वटते पिया। एक गल होर नोट की जिवें ड्राइवर नूं फोन आया ना जिवें आपां हैलो बोलते बोलते हैलो ही है भी इन्ना है। लो जी हुण आपां तकरीबन पेंडू एरिया आपां कह सकते हैं तो यहो जी एरिए आप लंघ रहे हैं। एक ना इत्थे गड्डी चलाउणी बहुत औखी है जिवें गड्डी चलती चलती जिहड़े मोटरसाइकिल साइकिल वाले आ ना उन्होंने पता नहीं करो हाथ दे के तो बस मूहर दी मोड़ दे नाल 3 वारी अगे असीं बचे हाँ एकदम ब्रेकां पईआं यानी साइकिल ते तुरिया जांदा बंदा उहने पिछे नहीं देखना हाथ दित्ता तो बस साइकिल मोड़ता। कलकत्ते दी इत्थे कलकत्ता तां चलो कलकत्ते दा कोई एरिया होगा मच्छी मार्केट झींगा वगैरह इत्थे लोग रखी बैठे आ जिहड़े अपने झींगा लगा आ सारा इत्थे नाल झींगा ते वड्डी मच्छी वगैरह रखी हुई है। आ देखो क्योंकि काफ़ी लोग शौकीन आ खाने दे चीज़ां ना कोता ही लगा लो जी ढाबे दे लोग तां खाना खान लगे आ ते बस तुसीं उह समझ लो भी जिवें चीन दे विच तुहानूं वैष्णो खाना ना मिलदा च ते कलकत्ते च भी औखा हो जाणा पहने आ वैष्णो खाना किहड़ा मिलदा इत्थे हैना ते पानी दी बोतल अपने वाली 1 ली दी लस्सी लई आ मिठी
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ 10 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਚਿਪ ਚਿਪ ਚਿਪ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ, ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਪ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? चाय का कप दिखाए हम आपको। लो जी ये आ गई सब्जी मंडी, जिदे विच के कहते कि भी इत्थे कच्चा केला मिलता ज़्यादा, तो कच्चा पपीता तो नारियल वगैरह तो चलो है, बाकी जोड़े आम पेठा वगैरह हो गया अपने कद्दू हो गया है ना, वो चीज़ें है जानि कि इतने केले वगैरह भी नाल सब्जी ज़्यादा खाते हैं कच्चे केले। जिहड़ी आ सड़क बनी हुई है ना, यह रबड़ की सड़क बनी हुई है, रबड़ के बच्च मतलब के बच्ची पाई हुई है इस सड़क के बच्चे, हाँ वह देसी राड़। एक चीज़ होर है ना, जिमें कि चलो आप अपने इलाके का रिवाज भी हों, कई बार कुछ मतलब कि कुछ इलाके आर्थिक पक्षों डाउन होंगे है ना, अपने जिमें हम जोड़े मोची आ है ना उन्होंने काम काफ़ी डाउन आ, पर इतने तकरीबन काफ़ी मोची बैठे आ, जो जिमें कि कोई चप्पल गढ़तियाँ कोई निकी निकी चीज़ें, पर है नॉर्मली आ कि को ज़्यादा कोई आप कह महंगी जुत्ती नहीं गई, नॉर्मल चप्पलियां गंढ तुप कर रहे हैं। तो होर देखिए जिमें अपने गड्डिया है ना स्विफ्ट ज़्यादा उत्तर भारत के बच्चे, इतने मैं सिर्फ एक गड्डी देखी स्विफ्ट, वो भी वो दिल्ली नंबर आ, वेस्ट बंगाल के स्विफ्ट गड्डी बहुत घट आ, जिहड़ी ज़्यादा ओमनी वैन आ जां इको वैन आ, असीं भी हुण जिहड़े जा रहे हैं भी इको वैन आ, ते नहीं तो मतलब कि स्विफ्ट गड्डी इत्थे देखण नूं नहीं मिलदी। क्या है ये? क्या है? नारियल का बच्चा है? ताल का ना फल है, ताल गच है, ताल गच का रोस होता है, ये ऊपर का केले की तरह छिले। अच्छा ठीक है, चल ठीक है, नवा फल एक अज खान लगे हैं। ताल की क्या बोलते हैं इसको? ताल आयान बताएगा, आयान बताएगा ठीक है। लो जी हुण आपां जमा उस एरिए च आ गए जिहनूं आपां पेंडू एरिया कह दिंदे आ, रूरल एरिया, यानी कि जंगल वांगू ही आ चार चुफेरे, तो बहुत सोहना आप कह सकते हैं क्योंकि हरियावल ही बहुत ज़्यादा इत्थे, इतने ज़्यादा अपन अंब जो दरख्त मिलते हैं सामने सुपारी के दरख्त आ गए, काठी सुपारी कह दें, अंब आ नारियल आ केला, ये ज़्यादातर दरख्त अपन देखने मिलते हैं, चीकू हो गया है ना, तो बाकी कटहल बहुत ज़्यादा इतने हैगी, घर घर वागू ही कटहल लगा हुआ। ऑफर चलता पाया कहे का सिम बेचते हैं, फुकेरे चौल डुल गए कि मक्की डुल गई, आ देखो है ना जिन्नी भी इतने पैकिंग ना सारी टोकरियां चुंदे आ, फुलियां कहे दियां डुल गईयां ढेर हो गया, तो केले कहाँ केले की शेप भी यदि होर आ, देखो जी इतने नारियल किवें लद के ले जाते साइकिल के उपर। तो जोड़ा इतने आलूआं का रंग वो भी थोड़ा जहा खट्टा हल्दी बनू मिट्टी का हो, कलकत्ता तो असं इतने इस समय है जी 60 किलोमीटर साइड से, आ देखो सामने यदि जी काठी सफारी दरख्त बिल्कुल पतला जहा जिमें बांस हों, तो उच्चा है नारियल के दरख्त जिन्ना जहा खजूर जिन्ना ही, ये दसते हैं भी
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਆ ਦੇਖੋ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਟੌਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਗੀਚੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਅ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਟਸਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਟਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਲਾਬ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਸ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ 60-70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਟੇਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਾ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਠੀ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਆਹ ਕਾਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਠੀ ਆਪਣੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਟੇਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਚਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾ ਤਾ ਚਮਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ
अच्छा काफी बस एक ही बस सही है काफी लेना तू देख तुसी खा के दसो पहला नहीं देख लीजिए लेना सही है क्या खा बना लो जी अभी इतने थोड़ा नारियल पानी पीने रुके ही इतने तुम विखाने झोने की खेती है ना अपने हजे झोना लाना तो इतने ये वढ़ चुके इस तरह का झोना है बीज जोड़ा है तकरीबन पक्या पाया तो हथी झाड़ना इन्होंने सारा है मुश्किल है काम बेचारे का औखा लो जी आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए हम उस तो अगे की कार्रवाई आप देखते हैं कि होंगे है ना की करना